दोस्तों, ये मेरा YouTube का पहला वीडियो है। पहले वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप 1000 से 2000 रुपए प्रतिदिन बॉलिंजर बैंड और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के मदद से अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं एक आम ट्रेडर हूँ और पिछले 4-5 सालों का जो मेरा तजुर्बा है उसी के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोग भी इस वीडियो को देखकर इसी तरह 1000 से 2000 रुपया प्रतिदिन बना पाएँ। उसी का आप लोगों को मदद करने का मेरा यह प्रयास है। तो चलिए सर, अब चलते हैं अपने investing.com पे, जहाँ मैं आपको ये कैसे यूज़ करना है ये बताऊंगा, इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करना बताऊंगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं investing.com पर। ये सर, हमने investing.com यहाँ पे टाइप करना है और मैं इसे यूज़ करूँगा निफ्टी 50 पे। ये निफ्टी 50 आ गया है। फिर हम टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे। टेक्निकल चार्ट पे जाने के बाद हम इसको इनलार्ज करते हैं और यहाँ टाइम फ्रेम हम यूज़ करेंगे 5 मिनट का। नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न होगा और सेटिंग्स में जाके हम सबसे पहले टाइम जोन डाल देते हैं, ताकि हमें पता लगे कि हमारा दिन कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ ख़त्म हुआ। इसको हम ब्लैक कर देते हैं। इस तरह से, ये वॉल्यूम की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है सर, ये हमारा टाइम जोन सेट हो गया। यहाँ से पता लगता है कि यहाँ से दिन शुरू हुआ ट्रेडिंग सेशन और यहाँ ख़त्म हो गया। अब हम इस पर इंडिकेटर्स प्लॉट करेंगे। तो हम इंडिकेटर्स सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे टाइप करेंगे बोलिंजर। इतना लिखने में बोलिंजर बैंड आ जाएगा। ये हमने बोलिंजर बैंड लगा दिया। अब हम जाएंगे अपना दूसरा इंडिकेटर लगाने, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये भी हमने लगा दिया है। बस हमें ये दो इंडिकेटर की ज़रूरत है। अब हम इसकी सेटिंग चेंज करेंगे। सेटिंग्स में हमें जाना है बोलिंजर बैंड के इनपुट, और ये है स्टाइल। इनपुट में जाइए पहले। इसमें हम डालेंगे 20 की जगह, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसकी जगह हम डाल देंगे 9, और डिविएशन होगा हमारा 1। इसको कर देंगे हम ओके। उसके बाद हम जाएंगे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग आ रहा है 9, उसको हम चेंज करेंगे 45 पीरियड का। स्टाइल कर देंगे हम इसको ब्लैक, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि नज़र आए। उसी तरह बोलिंजर बैंड में भी हम इसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर देते हैं, ताकि हमें क्लियरली दिखाई दे। कर देंगे होगा। अब ये हमारा सेटअप तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर दोहराता हूँ, आपने बोलिंजर बैंड लगाना है जिसकी की सेटिंग होगी 9-1 की, और EMA होगा आपका 45 पीरियड का। कैंडलस्टिक चार्ट होगा नॉर्मल कैंडलस्टिक विथ 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था, वैसे मैंने पहले ही खोल रखा था चार्ट। तो यहाँ पे चलते हैं। तो अब मैं इसकी आपको शर्तें बताता हूँ कि आपने, ये मेरे नोट्स मैंने पहले डाल रखे हैं। तो इसमें मैंने लिखा है आप बाई कब करोगे। बाय आप तभी करोगे जब आपकी कैंडल EMA
45 के ऊपर होगी। ऊपर होने का मतलब यह है कि उस कैंडल का कोई भी हिस्सा, हाई लो, ओपन क्लोज, कोई भी ईएमए को टच ना करे, यानी कि वो पूरी तरह, या आप कह सकते हो कि उसका हाई उसको ब्रेक कर दे, ईएमए को ब्रेक कर दे और अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दे। जैसे कि यहाँ पे है, इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल को, ये जो कैंडल है इसने अपर बोलिंजर बैंड को भी तोड़ा है और ईएमए को भी कट करके ऊपर क्लोज हुई है। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ईएमए से ऊपर हो क्लोजिंग कैंडल की, और साथ ही साथ वो अपर बोलिंजर बैंड को भी कट करे। अगर वो ना करे तो वेरी नेक्स्ट कैंडल उसको कट करे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इसको सेल में देखते हैं किस तरह का होगा। सेल में सेम वाइस वर्सा उल्टा होगा कि आपकी जो कैंडल है वो ईएमए 45 के नीचे क्लोज करे। सेल ओनली व्हेन कैंडल इज़ बिलो ईएमए 45 एंड आल्सो कैंडल क्लोजेस बिलो लोअर बोलिंजर बैंड। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। पहले शायद मैंने ये बोल दिया था गलती से कि कोई भी हिस्सा टच ना करे, पर ये समझिए कि इसकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए सेल में तो ईएमए के नीचे होनी चाहिए और अप लोअर बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज होना चाहिए। उसी तरह बाई सेटअप में अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, साथ ही साथ ईएमए भी कैंडल की क्लोजिंग ईएमए से ऊपर होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपके ये शर्तें समझ में आ गई होंगी। अब आप ट्रेड कैसे लोगे, जैसे कि आप मान लीजिए हम यहीं से शुरू करते हैं, ये हमारे दिन की पहली कैंडल और ईएमए है 45 के ऊपर। जब भी कैंडल ईएमए 45 के ऊपर है तो हम सिर्फ इसमें बाय ही करेंगे, लेकिन हम अभी बाय नहीं करेंगे, ऑलरेडी ऊपर है, हम वेट करेंगे जब वो बैंड जो है ईएमए के नीचे आ जाए, जैसे कि यहाँ पे, और अपर बोलिंजर बैंड को भी काटे। तो पर यहाँ पे नहीं काटा, अब ये नीचे चला गया, यहाँ पे नीचे चला गया। तो यहाँ पे जैसे हम अगर हमारा सेल साइड बनता है तो ये लो उसका है 29427.85, ठीक है, 427 या 428 मानिए इसको। तो 428 पे हम अगर हम सेल करते तो हमारा जो इसने जो एक कैंडल, दूसरी ये जो ग्रीन कैंडल ने लो बनाया है 376, 28 प्लस 24, यानी कि लगभग 50 पॉइंट आपको 1000 रुपये यहीं पे मिल गए। यहाँ पे आप देखिए, ऊपर देखिएगा, यहाँ पे 427 और इसका लो है इस कैंडल का, और ये ईएमए को भी काटा है और बोलिंजर बैंड को भी काटा है लोअर को, इसलिए हमने सेल किया 427 पे। और 427 पे मतलब ये 428 का जो है लो अगली कैंडल ने ब्रेक कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पे एंट्री ली। और जब हमने यहाँ पे एंट्री ली 428 पे तो इस ग्रीन कैंडल का लो बना 376, यानी कि 428 से लेके 376 ये इसने लो बनाया। तो यहीं पे आपको लगभग 52 पॉइंट मिल गए। 52 बैंक निफ्टी का एक लॉट होता है 20 का, तो आपको लगभग 1000 रुपये यहीं मिल गए। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब आगे चलें, ये देखिए इस कैंडल का क्लोजिंग अभी ऊपर नहीं हुआ है, ईएमए का तो काट दिया पर अपर बैंड के ऊपर नहीं हुआ है। यहाँ पे हमने नेक्स्ट कैंडल ने ईएमए को ऊपर अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग दिए, यहाँ पे हम बाई करेंगे नेक्स्ट कैंडल की। अगर नेक्स्ट कैंडल नहीं होती तो फिर छोड़ देते,
तो वेरी नेक्स्ट कैंडल ने अपर बोलिंजर बैंड को भी काट दिया। तो अब इस कैंडल के हाई पे हम बाई करेंगे। इस कैंडल का हाई देखिए ऊपर 5372 9537, ये ऊपर देखिएगा, ये 5372 9537.70, इसके हाई पे हम एक ऑर्डर लगा देंगे, बाय ऑर्डर। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई तोड़ा, हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। और यहीं पे आप देख लीजिए 602 इसने हाई मारा, 602 हमने बाय कितना किया था 537 पे, और यहाँ पे 60237 यानी कि लगभग 63 पॉइंट्स प्लस 2 पॉइंट्स मोर 65 पॉइंट्स, यहीं पे आपको 65 × 20 1300 रुपये यहाँ मिल गए। अब आइए आगे, अब देखिए यहाँ पे बैंड नीचे को मोड़ा और बैंड ने यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल ने लोअर बैंड को भी काटा और ईएमए को भी काटा। तो इसका लो सर लो होगा 29475.30, यहाँ पे देखिए इस वाले लो पे 29475 पे हमने सेल किया और बहुत बढ़िया रैली हमें मिली। अगर हम यहाँ पे सेल करें 29,475, इसने लो बनाया 28,601 रुपये का, यानी के लगा लो 400 पॉइंट यहाँ और 475 ये था, तो 525 यहाँ, 400 और 500 925 पॉइंट का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। 925 पॉइंट यानी कि आपको लगभग 18,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। तो लगभग आपको 1000 पहले यहाँ पे मिल गए, फिर यहाँ पे मिल गए दोबारा 1300 रुपये, और फिर 18,000 यहाँ पे मिल गए। तो एक ही दिन में आपने लगभग 20,000 रुपये आपने कमा लिए एक दिन के ट्रेड में। चलिए आगे चलते हैं, अब आइए यहाँ पे दिन खुला। यहाँ पे जैसे ही पहली कैंडल ने इसको पर ये सेल ट्रेड है क्योंकि ये ईएमए को नहीं काटा है। अब हम इंतज़ार करेंगे कि कब ये लोअर बोलिंजर बैंड को काटे या फिर बोलिंजर बैंड ईएमए को काट के ऊपर निकल जाए, तो बाई सेटअप बनता है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा सेल ही सेटअप बन रहा है। देखिए यहाँ पे कैंडल बनी, ये कैंडल ने ऑलरेडी ये ईएमए के नीचे है और इस कैंडल ने आपका लोअर बोलिंजर बैंड को काट दिया है 28,953 पे, 28,953, और ये आ गया 28,806, लगभग 140 पॉइंट आपको यहाँ दे दिया। तो 2,800 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, 140 × 20 2,800 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। हमें सिर्फ ये देखना है कि जब भी ये कैंडल्स नीचे बने ईएमए के नीचे, तो हमें केवल सेल ही करना है। इस स्थिति में यहाँ से यहाँ तक हमें केवल सेल ही करना था, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये कैंडल बनी है लाल जो कि लोअर बोलिंजर बैंड को काटी है। इसका लो देखते हैं 763। अब हम बगल वाली कैंडल का लो देखते हैं, तो ये 760 यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा क्योंकि ये कैंडल ने रिवर्सल दिया है। 763 भी आपका लो है, और इस अगली कैंडल ने 763
760 बनाया, यानी कि इसका लो टूटा लेकिन उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो आपका जो लगभग लगभग यहाँ पे लगा लो इसका हाई है 900 पॉइंट, 140 पॉइंट का, 2800 रुपये का यहाँ पे आप अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं तो इस कैंडल के हाई पे लगभग लगभग 2800 रुपये का आपको यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। नो डाउट फ्रेंड्स, ये स्टॉप लॉस आपको बचाएगा ही लॉस से, कोई बात नहीं। एक लॉस हो गया, पहले हमने 18,000 रुपये भी कमाए, उसमें 2-2,500 रुपये चले भी गए तो कोई गम नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे अब देखें 29,059 का हाई, ये मैं भी काटा और अपर बोलिंजर बैंड को भी काटा। अगर हम 29,060 पे हम बाई करते और ये इसी कैंडल पे हम मान लीजिए सेल कर देते 29,000, तो 30 पॉइंट का फ़ायदा हुआ, 30 पॉइंट का फ़ायदा हुआ। लेकिन शायद 30 पॉइंट इनफ नहीं है, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता दोबारा। तो स्टॉप लॉस अगर हमारा हिट होगा तो लगभग लगभग हमारे 100-120 पॉइंट फिर चले गए, यानी कि फिर हमें लगभग लगभग 2,200 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, अब जो है फिर हमें ट्रेड मिला नेक्स्ट कैंडल पे जो कि है 28,931। यहाँ पे भी लाल कैंडल ने लोअर बॉलिंजर बैंड को काटा है, ईएमए को काटा है, और 928,931 या 932 मानिए, इस पे हमारा सेल ऑर्डर ट्रिगर होगा क्योंकि नेक्स्ट कैंडल लाल बनी है और इसने बनाया है लो 844 का। ये था 931 और 844, लगभग लगभग 90 पॉइंट आपको यहाँ मिल गए, कोई बात नहीं, आपने 1800 रुपया यहाँ बना लिए। उसके बाद दोबारा आप यहाँ आए, फिर यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, अपर बोलिंजर बैंड का अपर बैंड ब्रेक हुआ है जो कि है 29,050.95 यानी 95, तो 51 ही समझ लीजिए, 29,051.51। ठीक है, अब इसका हम स्टॉप लॉस अगर यहाँ रखना है, लो इसका कैंडल का लो यहाँ पे अगर हम लेते इसको 29,051 पे, 29,051 पे देखिए यहीं पे आपको लगभग लगभग 29,262, 150 पॉइंट लगभग लगभग आपका 3,000 रुपये यहाँ हो गया, 1,848, तो कुल मिला के आपका लॉस यहाँ पे मिनिमाइज हो गया, ख़त्म हो गया समझ लीजिए। अब आगे चलिए, ये देखिए कितना बढ़िया रैली मिली है यहाँ पे, कैंडल ने पहली ही कैंडल ने आपको शानदार ब्रेकआउट दिया है, और जो पहली कैंडल होती है सुबह की अगर वो ब्रेकआउट दे दे तो बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट होता है दोस्तों। तो आप देखें इसका लो बना है 29,053 का, 29,053 पे हमने सेल ऑर्डर लगाया, स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये हाई कैंडल का हाई, और देखिए 29,053 से ये जनाब चला गया 28,130, 29,053 से चला गया 28,130, यानी कि 870 प्लस 50, 920 पॉइंट कि लगभग लगभग आपको 900 भी पॉइंट मानिए, 900 नहीं था, आप 500 भी मानोगे तो 10,000 रुपये तो फिर भी आपने बना ही लिए। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे चलिए ये कैंडल पे इसने देखो अपर बोलिंजर बैंड को और ईएमए को दोनों को काटा है, इसका हाई है 28,557। ऊपर देखिएगा जब ये मैंने यहाँ कैंडल पे कर्सर रखा हुआ है, तो
28,557 58 ही मान लीजिए, 558 पे आपने बाई करा, और देखिए कुछ ही मिनटों में आपको 737 28,737 ये कितना था 57 और 737 लगभग लगभग 180 पॉइंट 3,600 रुपये आपने यहीं बना दिए। तो दोस्तों बता रहा हूँ तो बहुत कुछ चाहता हूँ उससे आगे काफ़ी बैक टेस्ट करके दिखाना चाहता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको मैक्सिमम इसमें अच्छी से अच्छी चीज़ें बताता रहूँ। ये मेरा YouTube पे पहला वीडियो है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। जो जिस तरह आप इसमें मुनाफा कमाओ तो और लोग भी कमा पाएँ, अपने यारों दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए और मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है या इस वीडियो को देखकर आपका कोई फ़ायदा होगा आगे, उसके बाद ही लाइक कीजिएगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा वीडियो समाप्त करने के पहले, इसमें ये देखिएगा कि जब भी कोई भी कैंडल, जैसे कि ये लोअर बोलिंजर बैंड है, यहाँ देखिए इस कर्सर पे, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से कैंडल जो है लोअर बोलिंजर बैंड को टच करती ही चली गई है और सारी लाल बन रही है, इसका मतलब कि ये पावरफुल डाउन ट्रेंड है। तो आप जैसे दो तीन कैंडल अगर चिपक के बन गई लोअर बोलिंजर बैंड को, तो आप सीधा सेल भी जा सकते हो, लेकिन ये आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए छोटी छोटी कैंडल बनी ग्रीन, और ये अपर बोलिंजर बैंड को चिपक के बन रही है, तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है वो ऐसे ही भाप लेता है और यहीं से वो बाई करके और सीधा, जब तक ये बनता है मैक्सिमम 150 पॉइंट, अगर 50 पॉइंट भी मिलता है तो 1,000 रुपया बैंक निफ्टी में होता है, बहुत होता है, उसको लेके अपना चल दीजिए। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करना चाहूँगा दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ताकि मैं आने वाले समय में इसी तरह के इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस आपके सामने ला सकूं, मेरा यही प्रयास होगा। और ट्रेड करें, पेपर ट्रेड करें, सीधा यह वीडियो देखकर सीधा मुझे इतना फ़ायदा होगा ये देखकर तुरंत ट्रेड में ना कूदें, और सोच समझ कर ट्रेड कीजिए, देखिए समझिए और उसके बाद ही इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ इसमें ज्ञान मिला ही होगा। तो धन्यवाद।